क्लास अब हमारे पास है वेक्टर टेबल ऑफ सी टू वी पॉइंट ग्रुप। हम सी टू वी पॉइंट ग्रुप का वेक्टर टेबल ड्रा करेंगे। वेक्टर टेबल्स को ड्रा करने के लिए हमारे पास जो थ्योरम होता है उसे हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है, यानी जी ओ टी के नाम से ये होता है। इस थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम ये वेक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हमें जितने सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, ठीक है, जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, टोटल ऑपरेशन पॉसिबल जितने भी आपके पास होंगे वो बराबर होते हैं ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से। तो लेट्स सी, यहाँ पे सी टू ये इसके अंदर चार सिमेट्री ऑपरेशन पॉसिबल हैं, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, फोर, ठीक है। और इसके अंदर जितने सिमेट्री एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वो है 1, 2, 3, 4। अगर ये चार हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो भी कितनी हैं, 4 हैं। जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उतनी हमारे पास इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जितनी क्लासेस उतनी नंबर ऑफ इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन। चार क्लासेस हैं तो मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि हम अभी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे IR1, IR2, IR3, IR4, यानी जितनी क्लासेस उतनी इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे ड्रा होंगी। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर रही हूँ, इसलिए मैं बाकी अभी चीज़ें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं कि करेक्टर टेबल में क्या क्या चीज़ें मैंशन होती हैं, किस पार्ट में क्या क्या हमें बताना होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम बनाते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस जितनी हैं उतने ही नंबर ऑफ इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी के अंदर तीन आपके पास क्लासेस हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें तीन इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन होंगी। और अब इन ये जो इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है इन्हें कैसे हम ड्रा करेंगे, तो हमारे पास एक इसका पॉइंट जो है थ्योरम का वो तो ये हमारे पास आ गया कि ऑर्डर क्या है और सिमेट्री ऑपरेशंस से क्लासेस कैसे बनती हैं। तो हमारे पास अगला एक पॉइंट जो इसका आता है वो है कि डायमेंशन। हमने पढ़ा डायमेंशन किसको कहते थे, आइडेंटिटी के करेक्टर को। तो कहते हैं कि जो सम ऑफ स्केयर, अगर हम स्केयर करें स्केयर ऑफ डायमेंशन का, तो वो कहता है ये बराबर आता है आपके पास ऑर्डर के। तो मुझे तो पता मेरा ऑर्डर इस वक्त सी टू वी का 4 है। अगर ऑर्डर 4 है तो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी की जितनी भी टर्म्स होंगी उसको क्या रिप्लेस करूँ कि इसका सम 4 बने। तो इसको पुट करने से पहले यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं कि आइडेंटिटी के जो मेंबर्स हैं वो K1, K2, K3 एंड K4 हैं। ये L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4 एंड 4। मैंने इन स्पोज इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम करना है कि ये जो डाटा फिल इसमें किया जाएगा वो कितना फिल किया जाएगा। तो ये जी ओ टी थ्योरम का जो एक पॉइंट तीसरा है उसने बताया कि आपके पास जो डायमेंशन के करेक्टर्स हैं अगर उनको हम प्लस कर दें तो उसका आंसर ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो मुझे मालूम हो मेरा ऑर्डर तो 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये K1, K2 इनकी वैल्यूज़ का अगर स्केयर करूँ तो ऐसे कौन से नंबर मैं सिलेक्ट करूँ कि जब इनको प्लेस किया जाए तो उसका सम 4 है। तो मुझे मालूम हुआ कि अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को 1 रख दूँ तो मेरा आंसर 1² + 1² + 1² + 1² ये आंसर मेरा इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू मालूम हो चुकी है, ठीक है, कि आइडेंटिटी की जो जितने भी आपके पास टर्म्स हैं डायमेंशंस हैं उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें बाकी की वैल्यूज़ को मालूम करना है कि वो क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, अब बाकी वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए जो वेक्टर टेबल्स के हैं, तो हमारे पास पॉइंट है कि अगर आप किसी भी इरेड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर्स का सम लेते हो, दैट मीन्स किसी भी इस ना किसी आप हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी भी चीज़ों को पकड़ लो उसका सम लेते हो, तो
तो वो हमारे पास इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस आता है, यानी आपके पास इसकी वैल्यू बिल्कुल वही होगी जो आपके पास नंबर ऑफ आप कह सकते हैं ऑर्डर आता है। तो मेरा ऑर्डर तो यहाँ पे है 4, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी भी रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन को पकड़ लूँ, जैसे ये पकड़ती हूँ, तो ये है जी 1 + L1 + M1 + N1, इसके सम को 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 L2 + M2 + N2, इसके सम को भी 4 के बराबर होना चाहिए, यानी किसी भी इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन को आपके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए अगर हम उनको प्लस करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे ये पता चला कि ये जो नंबर हैं या तो ये पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे या ये ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाले टर्म की तो वैल्यू हमें पता चल गई। चौथा हमारे पास इसके रूल है हमारे पास कि ये जो आपके पास जितने भी IR हैं, ठीक है, IRs जितने भी आपके पास हैं, यानी इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन जितने भी हैं, ये ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि अगर हम दो IR को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे IR1 को IR2 से, तो इसका आंसर 0 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जी IR1 को मैं कराऊँ IR3 से, तो भी मेरा सम मल्टीप्लिकेशन 0 आए। IR2 को करा दूँ IR3 से, तो भी क्या है 0। IR3 को करा दूँ IR4 से, तो भी मेरा सम मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 है। इस तरह बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये कि दो IRs को जब मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारा आंसर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि क्या बनता है। तो IR1 को हम कराते हैं IR2 से, तो हम 0 पुट करते हैं। IR1 की वैल्यू हमारे पास अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपने याद रखना है कि जो सेम आपके पास पैटर्न है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे कराना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, ये ख्याल रखना है, क्योंकि सेम विल मल्टीप्लाई टू सेम मेंबर्स। तो आपको पता है जी K1 K2 से होगा, L1 L2 से होगा, M1 M2 से, N1 N2 से, इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू मालूम है 1 है, इनकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मुझे इनकी वैल्यूज़ जो है मालूम करने के लिए पॉइंट नंबर जो कि प्रीवियस अभी हमने पढ़ा कि कोई भी करेक्टर्स का सम जो है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है किसी भी इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन के, यानी वो इक्वल टू 4 के बराबर होता है। यानी अगर हम C2E वाला पॉइंट को ले लें, यानी कोई भी इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो आपके पास सम है वो आपके ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो पहला है L1 M1 N1, इन सब की जो वैल्यू है मेरे पास 1 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि आपका जो सम ऑफ करेक्टर्स है वो इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को अगर इस पॉइंट को यूज़ करें जिसमें हमने पढ़ा सम ऑफ IR का जो करेक्टर्स है वो ऑर्डर के 4 के बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ IR में जो है अगर 4 के सम के बराबर पुट करना है, तो इसकी वैल्यू भी मैं 1 रख लेती हूँ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट की हेल्प से मैंने इसे कहा कि अब हमारे पास क्या बचा, 1 + L2 + M2 + N2 = 0। अब मुझे इसका इक्वल टू 0 पुट करना है, अभी मैंने अब मुझे लेट करना है, जब मैं कह देती हूँ कि आपके पास इफ़ मुझे वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं लेट सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे इसका पूरा सम सबको 0 बनाना है, तो या तो L2 M2 या N2 इनमें से कोई एक नेगेटिव ज़रूर होगा। तो मैं कह देती लेट L2 = -1, जस्ट सपोज कि मुझे वैल्यू मालूम करें क्या ये कैसे आएगी कैसे, तो 1 L की वैल्यू -1 + M2 + N2 = 0। ये 1 कट गया, पीछे क्या रह गया, M2 + N2 = 0, ठीक है। अब
या तो अब इसको भी सम अगर ज़ीरो करना है तो या तो एम टू आपके पास वन होगा या एन टू माइनस वन होगा, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सम अगर ज़ीरो करना है तो कोई से दो नंबर को नेगेटिव लाजमी आपने पुट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सम ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकती हूँ ये एल की के की वैल्यू है, ये एल की है, ये एम की है, ये एन की है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए अपना टेबल में अगर गौर करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई सी दो वैल्यूज़ जो हैं वो लाजमी तौर पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू को नेगेटिव पुट कर देती हूँ और एन फोर की वैल्यू को वन कर देती हूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव करती हूँ, ये वन और ये वन कर देती हूँ, ये वन, ये नेगेटिव वन और ये वन, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को प्लेस किया है। सो हमें पहला पॉइंट पता चला था कि जी आपका जितना ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ क्लासेस जितनी होती हैं उतनी ही आईआर को लॉट करते हैं। चार क्लासेस थी, चार आपके पास ही आते हैं। उस पर पहला हमने पढ़ा कि जी आइडेंट डायमेंशन जो होती हैं उनका जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो इक्वल टू ऑर्डर होता है। ऑर्डर फोर था, वन प्लस वन के फोर आपके। फिर हमने पढ़ा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कोई भी आपके पास हो तो उसका जब हम स्क्वायर करें या सम करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल टू ऑर्डर आता है। तो मैंने इसको वन वन रख दिया, ठीक है। बाकी जब वैल्यूज़ मालूम की गई तो पता चला कि जो आईआर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि दो आईआर को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए मुझे पता चला कि इन चार जो क्लासेस हैं इनमें से कोई सी दो जो हैं वो नेगेटिव ज़रूर पुट करेंगे तो ही हमारे पास आंसर आएगा। तो मैंने रैंडमली इसको पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक लेक्चर टेबल ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास इसके पास टर्म आती है मुल्कियंस नंबर्स, हमने पढ़ा था ये जहाँ मैंने आई आर लिखा है इनकी जगह पे मुल्कियंस नंबर आने थे, मुल्कियंस अल्फ़ाबेट या मुल्कियंस सिंबल आने थे। जो अगर आपके पास वन डी हो तो उसमें आपके लिए अल्फ़ाबेट ए और बी यूज़ करते हैं, अगर टू डायमेंशन हो तो उसके लिए बी यूज़ ई यूज़ करते हैं, अगर थ्री डी हो तो उसके लिए टी यूज़ करते हैं। अब ये मुझे मालूम कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के मुताबिक। अगर मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू करेक्टर जो है वो प्लस है तो मैं उसकी वैल्यू ए पुट करूँगी, अगर नेगेटिव है तो मैं उसकी वैल्यू बी पुट करूँगी। तो यहाँ देखो वन है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए, पॉजिटिव है ए, ये बी, ये बी बी आ गई, ये ए बी आपके पास सिंबल्स मुल्कियन आ गए क्योंकि आप देख रहे हो आइडेंटिटी जो आपके पास डायमेंशन है वो वन डी है तो वन डी के लिए ए और बी यूज़ करते हैं। कंपेयर वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, सी टू एक्सिस से। अब हमारे पास उसके बाद आता है कि जी ए सेपरेट कैसे करेंगे, ये दोनों ए है दोनों बी, इनमें डिफरेंस कैसे आएगा। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास जो है जी कैरेक्टर टेबल में रूल होता है मॉलिक्यूलर प्लेन को चेक करते हैं, दिस वन इज़ मॉलिक्यूलर प्लेन एक्स वाई। कैसे कि अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं तो यहाँ से जो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से प्लेन गुजरेगा एक्स वाई एक्सिस पे से तो उसको हम कह देंगे जी मॉलिक्यूलर प्लेन है हमारे पास। आप इसको से ये जो एक्स एक्स